नमस्ते, सरोज किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम गुजरात की बहुत ही फेमस डिश मेथी के मुठिये बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाना तो बहुत ही आसान है। और अगर इसे हरी धनिया की चटनी के साथ खाएं तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चटनी का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मेथी के मुठिये बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रेश मेथी ली है, करीब 150 ग्राम ये मेथी ली है। इसको मैंने अच्छे से 3-4 पानी से धो के इसको हमने इस तरह से सुखा लिया है। साथ ही इसमें हम और भी कुछ चीजें मिला लेंगे, जैसे मैंने यहाँ फ्रेश धनिया लिया है, करीब 7 से 8 मैंने लहसुन की कलियां ली है, ये भी हम इसमें डालेंगे। 4 हरी मिर्च ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, और एक खास चीज इसमें हम डालेंगे, ये है लहसुन के पत्ते। अगर ये आपको मिल जाए तो डाल दीजिए, नहीं तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको मिल जाए तो डाल दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों लहसुन का इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक परात ले ली है और ये करीब मैंने गेहूं का आटा लिया है, ये करीब 500 ग्राम है, इसको हम इस परात में डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, ये करीब 50 ग्राम है, वो इसमें हम डाल देंगे। और जो अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन हमने लिया था, उसको इस तरह से हमने दरदरा पीस लिया है, वो इसमें हम मिला देंगे। ये हरा लहसुन है, इसको हमने बारीक काट लिया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। हरा धनिया इसमें हम डाल देंगे। और जो हमने मेथी ली थी उसको हमने रफली चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं, हमें इससे ज्यादा बारीक नहीं काटनी है, वो हम इसमें अब थोड़ी मिला देंगे। अब इसमें हम थोड़े से मसाले मिला लेंगे, करीब 2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है वो इसमें हम डाल देंगे, नमक हम अपने स्वाद के अनुसार मिला देंगे, करीब 1.5 चम्मच मैं यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आप खट्टा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा ये शक्कर और नींबू मिलाएंगे, तो मैं यहाँ पर शक्कर डाल रही हूँ, करीब 2 छोटी चम्मच शक्कर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे इसमें, करीब 3 चम्मच मैंने यहाँ पर ये तेल डाल दिया है। मैं यहाँ पर खटाई का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, खाली शक्कर ही मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इन सबको हम अच्छी तरह से आटे में मिला लेंगे। तो एक तरफ मैंने इडली स्टैंड रख दिया है ताकि इसका भी पानी गर्म हो जाए, साथ साथ दोनों काम हो जाए। तो करीब 3 ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे, करीब 2 चुटकी ये बेसिक बेकिंग सोडा है, वो भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इस तरह से डालते जाएं, एक साथ ना डालें नहीं तो ये काफी गीला हो जाएगा। अब इन सबको अच्छी तरह से हम बांध लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं इसमें और इसे हम बांध लेंगे। ये अच्छी तरह से इकट्ठा हो चुका है। तो इसका इस तरह से हमने एक डो लगा लिया है। तो इसे बांधने के लिए जो नॉर्मल साइज के ग्लास होते हैं अपने घर में, वो करीब 1 ग्लास यूज हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये 1 ग्लास मैंने पानी लिया था, पूरा पानी इसमें इस्तेमाल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, न ही ज्यादा सख्त है और न ही ज्यादा लूज है, हमें इसी तरह का डो चाहिए। ज्यादा नरम आटा हम नहीं लगाएंगे इसमें। तो ये बनकर एकदम ही तैयार है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने लंबे लंबे रोल करके इस प्लेट में रख दिया है। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे और इस तरह से रखते जाएंगे। हमें इसमें तेल वगैरह लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब ये पकेंगे तो अपने आप अलग हो जाएंगे।
तो इस तरह से हमने सारी बेलें बना ली है, आप देख सकते हैं। एक प्लेट हमने यहाँ पहले ही रख ली है, ये दूसरी रख देंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम ढक देंगे, करीब 20 से 25 मिनट इसे हम मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से भाप में इसे हम पका लेंगे। करीब 25 मिनट हो चुकी है मुठिये को पकाते हुए, मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसे पकाया था। अब इसे हम चेक कर लेते हैं, तो ये मुठिये एकदम अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब ये हम कैसे पहचाने कि ये पक चुके हैं या नहीं, तो इसके लिए हम एक नाइफ का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम एक नाइफ डालेंगे और आप देख सकते हैं एकदम क्लियर ये आया है, इसका मतलब मुठ्ठी अच्छी तरह से पक चुके हैं। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसी तरह इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो इस तरह से मुठ्ठियों को हमने एक प्लेट में निकाल दिया है, आप देख सकते हैं सारे अलग हो चुके हैं। हमने उन प्लेट में कोई भी तेल वगैरह नहीं लगाया था, फिर भी ये बड़ी आसानी से अलग हो चुके हैं। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर इसके हम गोल गोल पीस काटेंगे। तो मुठ्ठी हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे, थोड़े बड़े टुकड़ों में ही हम इसे काटेंगे। मुठ्ठी हमारे बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी जाली बनी है और बहुत ही सॉफ्ट है ये। इसी तरह से हम सारे मुठ्ठी कट कर लेंगे। तो इस तरह से सारे मुठ्ठियों को हमने कट कर लिया है। अब इसको हम एक बघाड़ दे देंगे अच्छा सा। बघाड़ देने के लिए मैंने गैस पर एक बड़ी कढ़ाई रख ली है, अब इसमें हम तेल डाल देंगे। करीब 4 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है। तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए, करीब 1 चम्मच यहाँ पर हम राई डाल देंगे। इस समय गैस की फ्लेम हम थोड़ी स्लो कर देंगे, साथ ही 1 छोटी चम्मच हम तिल डाल देंगे, सफ़ेद तिल है ये। थोड़े से करी पत्ता हम डाल देंगे और अच्छी तरह से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। करीब 1 से 2 मिनट इसी तरह से हम इसे हिला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम ये फ्रेश हरा धनिया इसमें डाल देंगे थोड़ा सा। तो ये मेथी के मुठ्ठी बनकर एकदम ही तैयार है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आप चाहें तो इसे चटनी के साथ खाएं या गर्मा गर्म दाल के साथ खाएं, सभी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।